दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आईपीसी की धारा 406। आईपीसी की धारा 406 क्या कहती है? अमानत में खयानत। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति बोलचाल की भाषा में ग्रामीण इलाकों में अमानत की खयानत भाषा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर विश्वास है, उस व्यक्ति को वो कोई संपत्ति दे देता है विश्वास के तौर पर, और वो अगर वो व्यक्ति उस संपत्ति को गलत इस्तेमाल करता है, दुरुपयोग करता है या किसी को बेच देता है और वापस मांगने पर लौटाता नहीं है, तो उस व्यक्ति का विश्वास का हनन हो गया, मतलब अपराधिक हनन हो गया। इस प्रकार का कोई व्यक्ति कृत्य करता है या किस प्रकार का विश्वास तोड़ता है, तो उस व्यक्ति को इस सेक्शन में आईपीसी के 406 में स्पष्ट लिखा हुआ है 3 साल की सजा प्लस आर्थिक दंड से सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी की अमानत में खयानत करता है या अमानत में खयानत करता है या विश्वास को तोड़ता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल का सजा प्लस जुर्माना कर से दंडित किया जा सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।